दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सोनी का A74 कैमरे के बटन एंड कंट्रोल्स के बारे में। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों कैमरे में बहुत सारे बटन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल वर्किंग करते हैं और कुछ कस्टमाइजेशन होते हैं। किस बटन से क्या वर्किंग होता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आपने अभी अभी सोनी का A74 कैमरा खरीदा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि जब तक आप काम करने के साथ अपने कैमरे को जानेंगे उससे पहले ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। चलिए टॉप साइड की ओर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रिप के पास एक आपको डायल देखने को मिल रहेगा, वो है अपर्चर डायल, जिससे कि हम अपर्चर वैल्यू को कम और ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आपके उसके जस्ट नीचे आपको ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाएगा और स्विच के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा शटर रिलीज बटन। ये वही बटन होता है जब भी आप फोटोग्राफी को शूट कर रहे होते हो तो उसको हाफ और डबल प्रेस करना होता है फोटोग्राफी को शूट करने के लिए। उसके बाद नीचे देखेंगे तो लिखा है एक बटन पे C2, ये कस्टमाइजेशन है। इसमें क्या कस्टमाइजेशन है वो आपके साथ में बाद में शेयर करूंगा। उसके साथ में ही दिया हुआ है रिकॉर्डिंग बटन, बड़ा सा रेड कलर का यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन दिया हुआ है, जिसे प्रेस करते आप वीडियो को शूट कर सकते हो और कहीं ना कहीं फोटोग्राफी में इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते। उसके बाद चलते हैं हम कैमरा डायल पे। देखिए डायल पे बेसिकली हर कैमरे में एक जैसा ही फंक्शन होता है, मैनुअल, शटर स्पीड, अपर्चर, प्रोग्राम मोड और ऑटो मोड। इसके अलावा देखिए अगर मैं निकॉन कैमरे की बात करूँ जहाँ पे यूज़र 1, 2, 3 लिखा होता है, वहीं पे यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3 है। और ये 1, 2, 3 वही मतलब है जो कि हम अलग अलग सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि हम किसी लोकेशन पर जाके हमें बार बार सेटिंग को ना सेट करना पड़े, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डायल मोड के जस्ट नीचे एक काफ़ी बेहतरीन सेटिंग्स एक स्विचर ऐसा दिया हुआ है जो A7 III में हमें नहीं देखने को मिलता था, वो है फोटोग्राफी मोड और वीडियोग्राफी मोड का अलग अलग सिलेक्शन। तो मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, जो पीछे जो आपको स्विचर दिख रहा होगा जस्ट उसको मिडिल में प्रेस करना है और जस्ट स्लाइड करना है तो आप फोटोग्राफी मोड, वीडियोग्राफी मोड और स्लो मोशन को यूज़ कर सकते हो। मेन डायल के जस्ट बगल में भी एक डायल दिया हुआ है, ये है सब डायल, जिससे कि आप शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो उसके आगे रोटेट और पीछे रोटेट करके। और दोस्तों हर कैमरे की तरह ये ऐसा ही काम करता है, जब हम कस्टमाइजेशन के साथ किसी को वर्किंग करते हैं तो भी ये सब डायल की तरह काम करता है। उसके जस्ट बगल में भी एक डायल दिया हुआ है जिसको प्रेस करके लॉक और अनलॉक किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर कंपनसेशन की तो आप ईजिली से यूज़ कर सकते हैं एक्सपोजर के कंट्रोल करने के लिए। अगर आप इस डायल के टॉप में देखेंगे तो एक छोटा सा बटन और दिया हुआ है लॉक और अनलॉक करने के लिए इस डायल को, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी अगर आप शटर स्पीड डायल यूज़ करें, क्या पता आप इस डायल को रोटेट करने लग जाए, तो ये लॉक अनलॉक करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है C1 का। अब जो C सीरीज़ है इसमें C1, C2, C3, C4 ये कस्टमाइजेशन है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिलहाल इसमें जो कस्टमाइजेशन अभी किया हुआ है वो वाइड बैलेंस किया हुआ है, टेम्परेचर, कैल्विन, वाइड बैलेंस में देखिए बहुत टाइप्स हो पाते हैं, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था C सीरीज़ यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके है, तो C1 में वाइड बैलेंस दिया हुआ है। टॉप साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको C2 का ऑप्शन दिया हुआ था, जो मैंने स्टार्टिंग पे बताया था उस कस्टमाइजेशन क्या था वो ये नहीं बताया था। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होता है, फोकस एरिया मोड अभी इसमें कस्टमाइज़ किया हुआ है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ फोकस एरिया मोड को यूज़ कर सकते हैं उसको प्रेस करके। साथ ही यहाँ पे देखिए एक जॉयस्टिक भी दिया हुआ है, इसकी वर्किंग मैं आगे बताऊँगा कि कैसे होना है, ये एरिया मोड को यूज़ करने के लिए होता है। उसके बाद C3 भी कस्टमाइजेशन है, जिसमें अभी फोकस मोड को कस्टमाइज़ किया हुआ, जो कि AFS AFC को यूज़ करना होता है, आप डायल का यूज़ करके, सब डायल का यूज़ करके भी इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद C3 के जस्ट बगल में दिया हुआ है मेन्यू बटन। हाँ मेन्यू बटन देखिए आपको ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हमें बाहर नहीं मिलती वो अंदर ज़रूर मिल जाएगा, और इसका जो मेन्यू है ना बड़ा ही अट्रैक्टिव है, कलरफुल है। दोस्तों अब मैं आपको जो जॉयस्टिक दिया है उसकी वर्किंग बताता हूँ। जैसे निकॉन में क्या होता है कि आप सर्कल्स यूज़ करते हैं, उसी तरह से जब भी आप ऐसे सर्कल्स या जोन को यूज़ करेंगे तो आप इस जॉयस्टिक के मदद से उसको ईजिली लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। आप लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक ईजिली से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो जब भी आप एरिया मोड को आप सेलेक्ट करते हो, जोन सेलेक्ट करते हो, ठीक है, एरिया सेलेक्ट करते हो, तो ईजिली से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो लेफ़्ट टू राइट और अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो लेफ्ट साइड टू राइट साइड में, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद एक और कमाल का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे FN बटन दिया हुआ है। FN इनका फंक्शन बटन होता है,
जैसे ही इस बटन को आप प्रेस करते हो, आपके सामने 12 ऐसे कस्टमाइजेशन सेटिंग्स ऑन हो जाता है जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो सिर्फ FN बटन को प्रेस करते ही। अगर यहाँ पे मैं FN बटन को प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आपको 12 सेटिंग्स, वो भी कस्टमाइजेशन वाले, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, आपको बार बार फंक्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही मैं ये भी वीडियो भी लेके आऊँगा कि किस तरह से आप इन सब फंक्शन बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। दोस्तों एक जल्दी सोनी की सीरीज आने वाली है चैनल पे। अब देखिए अप एंड डाउन बटन पे सबसे टॉप बटन जो अप बटन है उसमें लिखा हुआ है DISP, डिस्प्ले बटन। क्या बटन होता है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको अपने डिस्प्ले LCD डिस्प्ले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक बार में बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, बार बार इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको डिस्प्ले बटन को प्रेस करना होता है। जस्ट राइट साइड में देखिए ISO भी दिया हुआ है, ISO को यूज़ करने के लिए आपको प्रेस करना है। एक तो इस सब डायल से भी यूज़ कर सकते हो, पीछे अपर्चर से भी आप यूज़ कर सकते हो, अपर्चर डायल जो होता है कैमरे का, इससे भी ISO वैल्यू को चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं शटर स्पीड डायल की बात करूँ उस डायल से भी आप ISO वैल्यू को चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स के हेल्प से आप सिर्फ एक ISO को चेंज कर सकते हो। अगर मैं डाउन बटन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ भी सेट नहीं है अभी। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो बटन दिया हुआ है वो है टाइमर दिया हुआ है, कंटिन्यू शूट का दिया हुआ है, बट अभी जो कैमरा है वीडियो मोड पे स्विच है, इस वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो अभी डिजेबल है। जैसे मैं इसको फोटोग्राफी मोड पे स्विच कर दे रहा हूँ तो देखिए सिंगल शूटिंग, कंटिन्यू शूटिंग, ब्रश मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, टाइमर दिया हुआ है, बट इसमें और भी सेटिंग्स दी हुई है। जैसे मैंने डायल को रोटेट किया, देखिए बहुत टाइप्स ऑफ सेटिंग्स इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। नीचे की ओर अगर मैं बटन की बात करूँ, देखिए डिलीट बटन है बट वहाँ पर C4 लिखा है, इसका मतलब है कि इस बटन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी रिसेंट में इसमें टच ऑपरेशन, ठीक है, इसमें अभी टच ऑपरेशन कस्टमाइज़ किया हुआ है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब डिलीट बटन दिया हुआ था, क्या ज़रूरत है इसको कस्टमाइज़ करने का, बट आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट बटन यहाँ पे दिया हुआ है डाउन साइड की ओर वो है प्रीव्यू बटन। मतलब आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी शूट करेंगे तो इसे प्रीव्यू ले सकते हैं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ ये है दोस्तों, ये है टच ऑपरेशन, फुल टच कंट्रोल है। मेन्यू बटन को प्रेस करते जैसे मैं स्क्रीन को टच करता हूँ, वैसे हर एक सोनी यूज़र चाहता है उनके बेसिक मॉडल पे भी होना चाहिए। जो इनका यूज़र इंटरफेस है मेन्यू का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अच्छा लगता है, कलरफुल है। कैमरे के राइट साइड में आपको कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे इस कैमरे में आपको अपग्रेडेड है A7 III के कार्ड स्लॉट से। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ड्यूल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन है जिसमें आप एक CF एक्सप्रेस कार्ड को यूज़ कर सकते हो और दूसरा नॉर्मल आप SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, वो भी UHS सेकंड वाले। कैमरे का दोस्तों बॉडी एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रिप बहुत डीप है A7 III के कंपेरिजन में, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बैक साइड में दो बटन बताना क्यों पता नहीं भूल गया मैं, जहाँ पे AF ऑन लिखा हुआ है और AEL लिखा हुआ है, ऑटो फोकस ऑन और ऑटो एक्सपोजर लॉक बटन के बारे में जल्द ही आपको अगले वीडियो में ज़रूर ऐड कर लूँगा। USB पोर्ट्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे देखिए A7 III से अपडेटेड है। HDMI की बात करें तो यहाँ पे फुल HDMI का आउटपुट देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल देता है A7 III के कंपैरिजन में। कैमरे में USB की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, माइक जैक देखने को मिल जाता है, USB-C टाइप का पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक मल्टी फंक्शन के लिए Type-B का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें फुल HDMI का आउटपुट दिया हुआ है। साथ ही बात करें इस कैमरे में दिया हुआ है वेरी एंगल फुल टच कंट्रोल LCD पैनल। A7 III में टिल्ट का ऑप्शन दिया हुआ था बट इसमें वेरी एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। कैमरे के टॉप साइड में एक हॉट शू आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एक मल्टी हॉट शू है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज सोनी का आप यूज़ कर सकते हैं। कैमरा बैटरी की बात करूँ तो वो डाउन साइड में होता है, सिंपली आपको कैप को ऐसे स्लाइड करना है और ब्लू कलर का आपको एक लॉक देखने को मिल जाएगा। लॉक को भी अगर स्लाइड करते हो तो देखिए बैटरी बाहर आ जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने नया नया कैमरा ख़रीदा है तो बेसिक लर्निंग बटन एंड कंट्रोल्स का हमें होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।